इन बच्चों के लिए जिनके पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं है, इनको मेरा वजूद ही पसंद नहीं है। और नया शोशा सुना है आपने छोटी सी बहू का? बाजी रिमशा बीबी बहुत रो रही हैं। क्या हुआ उसे? तुमने उसको खाना नहीं खिलाया था? खाना दिया था लेकिन वो चुप नहीं हो रही। देखती हूँ। देखा पा, ये सलूक होता है मेरे साथ इस घर में। इनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है कि टाइम से सुकून से मुझे दवा दे सके। ओ हो भाई, ये छोटी सी बच्ची है, उसका ख्याल ना करे वो है? अरे आपा, मैंने कब कहा है कि बच्चे हर वक्त मेरे पास रहें? बेटों के पास ऑफिस का बहाना है और उनकी बेगमात के बाद झूठी मसरूफियात का रोना रोती रहती है हर वक्त। क्या हो गया तुमको है? ऐसे पहले तो नहीं थे तुम, हर वक्त शिकायतें, हर वक्त गिले। आपा, तब तक मैंने दुनिया की हकीकत नहीं देखी थी। तुम्हें याद है तुम कभी दवाई नहीं लेते थे? तुम कहते थे कि बीमार जिस्म को नहीं, बीमार दिमाग को जरूरत होती है दवाइयों की। तुम कहते थे बस अपने दिमाग को मसरूफ रखना चाहिए, खुश रहना चाहिए, सुकून से रहना चाहिए, कभी बीमारी के लिए दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपा, मैं भी दवा नहीं खाना चाहता, मैं ठीक होना चाहता हूँ, मगर मैं ठीक हूँ भी तो किसके लिए? हाँ, किसके लिए का क्या मतलब है? अपने बच्चों के लिए और किसके लिए? इन बच्चों के लिए जिनके पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं है, इनको मेरा वजूद ही पसंद नहीं है। और नया शोशा सुना है आपने छोटी सी बहू का? क्या कहती है? कहती है कि अंकल की शादी करवा दो, आने वाली खुद ही इनका ख्याल रखेंगी, हमारी तो जान छूटेगी। ये सोच है इनकी मेरे लिए। गलत तो नहीं सोची मेरी? उन अजा के जाने के बाद से तुमने अपने आप को इतना तन्हा कर लिया है कि मेरा ख्याल है कि तुम्हें जरूरत है किसी एक साथी की, बहुत ज्यादा शदीद। हरगिज़ नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकता। ये बच्चे हैं ना, मगर इन बच्चों के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मैं और क्या समझा रही हूँ तुम्हें? नहीं, मैंने कह दिया ना, मुझे शादी बिल्कुल नहीं करनी और मैं इसके हक में नहीं, बस। मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा।